भट्टाचार्य एक जीव वैज्ञानिक है जो नेटवर्किंग के द्वारा देश के अनेक जैव वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े रहने में सक्षम है। दिलचस्प है कि नेटवर्किंग की ये सुविधा देश में 15 वर्ष से उपलब्ध है। बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यानी BTISnet भारत में इंटरनेट के शुरू होने से पहले ही 80 के दशक के मध्य में शुरू हो चुका था। देश के बायोटेक संस्थानों के प्रति समर्पित ये नेटवर्क शुरू में नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के निकनेट पर आश्रित था, जहां मुश्किल से ईमेल सर्विस उपलब्ध कराई जा रही थी। इंटरनेट आने के बाद इसे मदद मिली और डेटाबेस के आदान प्रदान का सिलसिला आसान बना। शुरू शुरू में दिल्ली के मुख्य केंद्र के साथ देश के विभिन्न 10 संस्थानों की नेटवर्किंग थी, आगे चलकर इसमें 44 उपकेंद्र जुड़ गए। इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसर्च करते हैं, बायोलॉजी में जो रिसर्च करते हैं, उनको जो नीड्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन नीड्स हैं, वो उनको मिले। जैसे उनको कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई डेटा चाहिए, वो सब उनको ठीक तरह मिलता जाए। उसके बाद भी जो आजकल कंप्यूटर में काफ़ी रिसर्च किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इन सिलिको रिसर्च, काफ़ी कंप्यूटर रिसर्च में भी यूज़ होता है। सो हम लोग सॉफ्टवेयर टूल्स अदर थिंग बनाते हैं और कहीं और से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो तो लोगों का यूज़ किया जाता है। जो BTIS है उसके अंदर आपको अलग अलग जितने भी ये DBTs हैं, ये BICs हैं, आपको हर एक BIC का फंक्शनिंग को अलग अलग जाने की नहीं ज़रूरत है। आप डायरेक्ट BTIS में जाकर और उससे हमारी एक्टिविटीज़ का पता कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो हाइपरलिंक किया गया है। तो दैट इज़ एक्चुअली ए कोऑर्डिनेटिंग यूनिट। तो दे आर कोऑर्डिनेटिंग ऑल दी एक्टिविटीज एंड दे आर वो जो सारी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग जगह से इकट्ठी हो रही है या बन रही है, जो भी रिसर्च हो रही है, वो सारी की सारी एक जगह आपको मिल जाती है। तो उससे आपका काफ़ी समय बच जाता है, आपको आसानी होती है, एक रिसर्चर को जो है जगह जगह नहीं जाना पड़ता है। नेटवर्किंग की अवधारणा के लोकप्रिय होने से काफी पहले ही बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता को समझ लिया था। BTISnet देश के प्रमुख बायोइन्फॉर्मेटिक्स 9 प्रयासों में सबसे प्रमुख है। इसने देश के 10,000 वैज्ञानिकों को एक दूसरे के संस्थानों के डेटाबेस को जानने समझने में सक्षम बनाया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता मोलेकुलर मॉडलिंग में है, लिहाजा यदि आपको हीमोग्लोबिन मोलेकुल के 3D इमेज की जरूरत है तो ये आपको JNU के बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के डेटाबेस में मिल जाएगी। सारे इंडिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर उनके अपनी नॉलेज है काफ़ी, जैसे फिशरीज इंस्टीट्यूट में फिश के ऊपर उनको काफ़ी नॉलेज है, जैसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका अपनी नॉलेज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे अबाउट 50 जगह में 50 जगह में ऐसे सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर लोगों को ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प तो लोगों को दी जाती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जैसे स्पेशल डेटाबेस और स्पेशल इंफॉर्मेशन भी गैदर किए जाते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, उसको सारा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब कोई भी चीज़ एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है, सब डिपार्टमेंट जब आपके जो आपके अंडर फंक्शन कर रहे हैं एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं तो वो एक ही तरह की पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं, एक ही गाइडलाइंस को फॉर्म करते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स बेटर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रेजेंटेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। बायोटेक्नोलॉजी के आने के बाद नेटवर्किंग की सुविधा की भूमिका के बढ़ने की संभावना है, जिससे इस विषय के प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे लोग जिनकी बायोटेक में विशेष दिलचस्पी है इस सुविधा से खास जानकारी हासिल कर सकेंगे। महत्वपूर्ण जैव वैज्ञानिक डेटाबेस अब डाउनलोड करना भी आसान होगा।